హైదరాబాద్ సిపి అంజని కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. సభీ కో నమస్కార్. హైదరాబాద్ శహర్ మే కుచ్ ఘంటే పహలే ఏక్ మేజర్ కిడ్నాపింగ్ కేస్ హువా. ఏక్ లోకల్ బిజినెస్ మ్యాన్ మిస్టర్ పారిక్ గజేంద్ర పారిక్ కా ఔర్ రాత్ మే కిడ్నాపింగ్ కే బాద్ గాడీ మే ఉన్కో కుచ్ సమయ కే లియే ఏక్ జగహ్ సే దూసరీ జగహ్ లే జానే కే బాద్ 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और उनको डराकर उनके ऊपर तरह तरह का प्रेशर देकर उनसे 1 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में ले भी गई और उसके बाद उनको एक जगह एबिट्स के पास छोड़ दिया गया. चूंकि वो इंजर्ड थे तो हॉस्पिटल गए और तुरंत वहां से इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई. इस क्राइम के सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे जो बेस्ट टीम है सेंट्रल जोन के और टास्क फोर्स के और उसके साथ जो हमारे स्पेशलाइज्ड टीम है इस पे तुरंत लग गए और क्रिमिनल के हिसाब से पुलिस को मिसलीड करने के लिए ये जो गैंग है ये गजेंद्र पारी को जो कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे जिसका पर्पस जिसका उद्देश्य पुलिस को मिसलीड करना था. लेकिन जब हमारी टेक्निकल टीम और हमारी स्पेशल टीम जब उसमें एनालिसिस कर रही थी तो हम लोगों को लगा कि ये इनसाइडर का ही काम है और एक्चुअली 10 घंटे के अंदर हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला और इस क्लू के आधार पर जब हमारी टीम टास्क फोर्स डीसीपी राधा किशन और सेंट्रल जोन के डीसीपी विश्व प्रसाद इनके लीडरशिप में जब हमारी टीम गई तो हम लोगों ने फर्स्ट एविडेंस जिसको कहते हैं बहुत पक्का सबूत हम लोगों को मिला. उसको फर्दर डेवलप करने के बाद 5 लोगों का ये ग्रुप ये गैंग जिनका पूरा कहानी बाहर आया जिसमें कि 3 ऑफेंडर अरेस्ट हो चुके हैं जिनका नाम है मोहम्मद अलमास एलियस अलमास सन ऑफ मोहम्मद इलियास एज 21 इयर्स कार डीलर के रूप में काम करते हैं और ये अब्दुल्ला शाह साहब दरगाह मिश्रीगंज बहादुरपुरा हैदराबाद के रहने वाले हैं. जो दूसरे क्रिमिनल गैंग मेंबर हैं मोहम्मद अकबर एलियस अकबर सन ऑफ मोहम्मद हुसैन एज 22 इयर्स और ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट हैं रहने वाले कुबा मस्जिद अमन नगर बी तालाब कट्टा हैदराबाद के रहने वाले हैं. तीसरे क्रिमिनल मीर शफीक अली एलियस शफीक सन ऑफ मीर हसन अली एज 19 इयर्स ये बेरोजगार हैं और कदमे रसूल पंजे शाह मीर चौक हैदराबाद के रहने वाले हैं. ये तीनों क्रिमिनल और इनके अलावा जो 2 क्रिमिनल हैं अभी अब्सकॉन्डिंग हैं लेकिन जरूर पकड़े जाएंगे हम लोगों के हाथों. ये 5 आदमी मिलकर जो 1 करोड़ शेयर किए उसमें अभी तक लगभग 36 लाख अगर उसको सही एग्जैक्टली प्रेसाइज कहें तो 35,30,000 रुपीज का रिकवरी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं. जो बाकी के 2 बचे हुए क्रिमिनल हैं इनको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ेंगे और इस पे ऐसे मौके पे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि खास करके जो एविडेंस इनके साथ मिले हैं इस पूरे क्राइम में 2 गाड़ियों का यूज हुआ. एक टाटा इंडिका कार नंबर 3128 दूसरा चेवरले कैप्टिवा कार नंबर 6543 एक होंडा एक्टिवा नंबर 6604 कुछ सेल फोन और कैश के बारे में आपको बता दिया गया. ये पूरा क्राइम का जो अंजाम दिया गया 28 जुलाई को रात को 11:30 बजे जो विक्टिम है गजेंद्र पारिक जो ओनर है माइना फाइनेंस कंपनी के ये दोमलगुड़ा का एक कंपनी है इनका किडनैपिंग हुआ और ये पूरे किडनैपिंग प्लान का जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद अलमास एरियस अलमास जो आज हमारे
गिरफ्त में है और उनके साथ चार और लोग मिलकर ये पूरा कार्रवाई किए। किडनैपिंग के बाद डराकर धमकाकर उनके ऊपर प्रेशर डालकर पारिक को कहा गया कि वो अपने फ्रेंड से पैसा मंगाए, और उनका एक फ्रेंड है राहुल जिसने कि 1 करोड़ रुपए लाकर उनको दिए। उसके बाद से ये पूरे प्रोसेस में काफी हाथापाई हुई जिसमें कि विक्टिम को इंजुरी भी आया और उसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और जहां से पुलिस को, इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया, और पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आने से हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारी जो एनफोर्समेंट टीम है, टास्क फोर्स की टीम है, ये सब वर्क को डिवाइड करके कम से कम 11 टीम अलग अलग एस्पेक्ट में इसके लग गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। और हैदराबाद के शहर के लिए जो हम लोगों का एक प्रॉमिस रहता है, वादा रहता है कि कोई भी सेंसेशनल केस हम लोग 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट करेंगे। जहां तक इन लोगों का सवाल है, अब हम लोग कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करके हम लोग एंश्योर करेंगे कि केस का जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल हो कोर्ट में, और उसके बाद ट्रायल के बाद इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हैदराबाद के शहर को हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से एक सजेशन यही है कि हर केस में हमारे यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ केस, इसके तहत चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस हो, या और भी जो नए टेक्निक्स हैं उसके तहत हम लोगों ने ये केस को डिटेक्ट किया है। और दूसरी चीज है कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम। विक्टिम का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा, हर चीज को तरीके से, छोटी से छोटी बारीक जिसके तहत हम लोग को क्लूज आता है, हर चीज को उन्होंने बताया, और जिससे हम लोगों को मदद मिला केस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। थैंक यू। पांच लोगों में, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी क्रिमिनल गैंग जब कोई कैश या कोई वैल्यूएबल्स उनके पास आता है उसका वो लोग बंटवारा करते हैं। ये पांच ग्रुप मिलकर, पांच गैंग मिलकर ये लोग भी अपने कैश को बांटे, और उसमें ये तीनों के पास जो अमाउंट था जो हम लोग अभी रिकवर किए हैं, बाकी कैश जो दो भागे हुए हैं उनके पास भी होगा, वो जरूर मिलेंगे। कानून की निगाह और कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता है, और जब इसके गैंग के लीडर पकड़े गए, दो लीडर दो और पकड़े गए, वो लोग दोनों भी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।